आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी मीडिया से हुए रूबरू, कहा पार्टी की जिम्मेदारियों पर खरा उतरने का करूंगा प्रयास, बूथ स्तर तक युवाओं को जोड़कर संगठन को किया जाएगा मजबूत, सपा बसपा का ब्राह्मण प्रेम मात्र छलावा। महिलाओं की समस्याओं को लेकर राज्य महिला आयोग की सदस्य ने सर्किट हाउस में की जन सुनवाई, कानूनी न्यायिक और पारिवारिक मामलों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्वच्छ भारत मिशन योजना की बैठक, शौचालय पंचायत भवन के निर्माण के साथ गोवर्धन योजना के तहत बनने वाले बायोगैस प्लांट के कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। गोरखपुर में शुक्रवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,373, अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 20 हुए एक्टिव मरीज, यह डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। राज्य महिला आयोग द्वारा निराश्रित बच्चों और महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए लगाया गया जागरूकता शिविर, सदस्य ने कहा निराश्रित बच्चों एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने शुरू की है विभिन्न योजनाएं, पात्र बच्चे और महिलाएं उठा सकती हैं योजना का लाभ। ड्रोन के माध्यम से पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम ने राजघाट थाना क्षेत्र के अमृतानी में कच्ची शराब के ठिकानों पर मारा छापा, 800 लीटर अवैध कच्ची शराब, 200 कुंतल लहन को किया नष्ट, दो कारोबारियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 23 केंद्रों पर 6,095 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण, फर्स्ट डोज लेने वालों में 4,565 और सेकेंड डोज लेने वालों में 1,530 लोग रहे शामिल, टीका लगवाने के लिए जनता की उमड़ी भीड़, सीएमओ ने कहा कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अवश्य लगवाएं टीका जीत का। प्रदेश सरकार ने राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी का बढ़ाया एक साल का कार्यकाल, निर्मला द्विवेदी ने मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार, कहा महिलाओं के हित में करूंगी काम। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर नीतीश सिंह फहराएंगे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बरूस पर देश का तिरंगा, मीडिया से रूबरू होते हुए दी जानकारी। मोहर्रम पर्व के मद्देनजर हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के कार्यकर्ताओं ने हुसैन चौक उचवा पर जल निकासी और सीसी रोड बनाए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन, कहा मोहर्रम पर्व के पहले किया जाए सड़क का निर्माण। चार सूत्री मांगों को लेकर आदर्श लोक शिक्षा प्रेरक वेलफेयर एसोसिएशन ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन, मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग। जनपद के 49 केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुआ बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, निगरानी के लिए तैनात किए गए थे मजिस्ट्रेट, अभ्यर्थियों ने कहा सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे आसान तो हिंदी के प्रश्न थे कठिन। और कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन द्वारा लगाए गए आंशिक नाइट कर्फ्यू का शुक्रवार को भी दिखा असर, महिला थाना प्रभारी ने नौकायन पर लोगों को कोरोना के प्रति किया जागरूक, एसपी सिटी ने कहा शनिवार और रविवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी, करें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, रहें सुरक्षित।